हैप्पी मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग? मैं अच्छी हूँ। सुबह का टाइम है, मैं उठ के नहा भी ली हूँ, फ्रेश हो गई हूँ एकदम। और मैं सोचूंगा यार, मुझे मुझे कुछ काम नहीं है आज, कहीं जाना नहीं है मुझे। लेकिन मैं सोचूंगा, जो मेरा डॉगी है ना, बड़ा वाला जो ओल्ड हो गया है, वो रात को रोता है, ठीक है, और मुझे लगता है कि उसको ठंड लग रही है या कुछ प्रॉब्लम है, तो मैं जाके उसको देख भी लेती हूँ और उसको सेटल करके आती हूँ। बट फिर भी वो रो रहा होता है रातों के, पर 2 बजे 3 बजे मेरे को उठना पड़ता है उसके लिए। तो अब मैं सोची कि डॉक्टर को दिखा देना चाहिए क्या प्रॉब्लम है। एंड ही इज़ वेरी ओल्ड, ही इज़ ऑलमोस्ट 18 ईयर्स नाउ, पता है आपको। और अब मेरे को लग रहा है कि इस एज में उसको बहुत ज़्यादा केयर चाहिए, बहुत ज़्यादा केयर चाहिए। तो मुझसे पता है कई लोग पूछते हैं कि हम डॉग रखें, हम भी रख लें डॉग। तो मैं कहती हूँ, अगर आप केयर कर सकते हो ना पूरी एंड तक, जब तक वो है आपके पास, तो ही रखना। यानी कि बीच में छोड़ दो या किसी को दे दो, वो मत करना। इसको मैंने पूरा 18 साल रखा अपने पास और अभी तक इसकी पूरी सेवा हो रही है। तो वैसे मैं केयर टेकर साथ भेज देती हूँ डॉग को हमेशा, यू नो, डॉक्टर को दिखाने के लिए। बट मैं सोची आज मैं खुद जाती हूँ, डॉक्टर से बात भी करके आती हूँ इसकी हेल्थ के बारे में। चलते हैं, चलोगे ना मेरे साथ? चलोगे ना? चलो लेट्स गो। चलिए, आप नहीं जा रहे हो, नोनू भैया जा रहे हैं, नोनू भैया जा रहे हैं, नोनू भैया, नोनू भैया, चलो चलो चलो, आ जाओ। मेरे को लग रहा है कि वो घूमने जा रही है, वो देखिए जबकि इसका वो लीश आ गया है। मुझे आप नहीं जा रहे, नोनू भैया जा रहे हैं, नोनू आ जाओ, नोनू आ जाओ। चलिए, आप नहीं जा रहे, भैया आ जाओ, नोनू चलो चलो। गाइस, इसको उठाना पड़ता है, ये देख लो, बोझती भी हो गई ना, वो चल नहीं पाता। कितना सर्वाइव करते हैं डॉग्स ऐसे यूजुअली? मैक्सिमम 15 इयर्स तो नॉर्मली होता है, 15 ही होता ना, प्लस हो रहा है तो अच्छी बात है। आपका मैनेजमेंट मतलब केयर अच्छी हो रही है ना इसकी, तभी इतना सर्वाइव कर रहा है। तो अभी आपको क्या लगता है इसका मतलब हेल्थ देख के? हेल्थ देख के तो मैं थोड़ा सा प्रॉब्लम फील कर रहा है। बीपी रहेगा, उसमें लिवर फंक्शन रहेगा और किडनी फंक्शन टेस्ट रहेगा। अच्छा, ब्लड टेस्ट कह रहे हो कराने के लिए? ब्लड टेस्ट, उसमें क्या अगर एग्जैक्ट इंटरनल प्रॉब्लम रहेगा तो टेस्ट के बाद ही पता चल जाएगा। देख के ऐसे नहीं बता सकते जिसका ही बना, यहीं पे हो जाएगा ना अभी टेस्ट तो? ठीक है, ठीक है। ऐसा क्यों है आईज के नीचे इसके रेड रेड से निशान? ये तो स्टेन है, आई डिस्चार्जेस होते हैं ना, आई से पानी जो, तो ये नहलाने के बाद भी नहीं जाता? ये धीरे धीरे जाएगा, वो नहीं जाएगा। ये क्यों बंधा हुआ है यहाँ पे? बोर्डिंग के लिए, बोर्डिंग है आपके यहाँ पे? बोर्डिंग मतलब? अच्छा अच्छा, बोर्डिंग में डॉग्स को नहीं छोड़ना चाहिए आपके हिसाब से? वो कंफर्टेबल फील नहीं करते ना, वो घर पे ही इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं स्ट्रेस हमेशा रहता है, स्ट्रेस रहता है ना डॉग्स को। तो मेरा तो हमेशा पहला ये होता है, बहुत समय कई बार क्या होता है कि जो पेरेंट्स होते हैं ना, वो एक गलती कर देते हैं कि एक साथ साथ या 8 दिन के लिए बोर्डिंग की डिमांड करते हैं कि साथ या 8 दिन के लिए डॉग रखना है, 10 दिन कहीं बाहर जाना होता है, उनको इमरजेंसी होती होगी। मेरा कहना ये होता है कि कभी भी ऐसा मत कीजिए, डॉग को क्या लगता है कि मेरा ओनर मेरे को छोड़ के चला गया, स्ट्रेस हो जाता है ना मृत्यु को। गाइस, इसका नाम है हैप्पी। सैड मत हो गाइस, हमेशा सैड है, इसको छोड़ के चला गया, नाम इसका हैप्पी लेकिन है सैड।